हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू जैशी टैरट। होप आप सभी लोग अपने लाइफ में अच्छे होंगे, अच्छा कर रहे होंगे, पॉजिटिव अफर्मेशंस डाल रहे होंगे, टेक्निक यूज़ कर रहे होंगे तो अच्छी टेक्निक यूज़ कर रहे होंगे, मन लगाकर उन पे काम कर रहे होंगे। और मैं चाहती भी हूँ कि अगर आप कोई टेक्निक यूज़ कर रहे हैं तो पूरे दिल से करें, पूरे फेथ और भरोसे के साथ करें, ताकि आप जो भी चाहते हैं अपने लाइफ में वो अट्रैक्ट कर पाएँ, वो आपको मिल पाए, मेरी यही प्रार्थना है। तो प्लीज़ आज हम देखेंगे कि आपकी सोल जो है वो क्या ढूंढ रही है, क्या चाहती है। क्या आप अपनी सोल को सुन पाते हैं या अपने आप को जान पाते हैं कि मुझे क्या रिक्वायरमेंट है क्या नहीं। सो प्लीज़ गाइड कीजिएगा एंजल्स, प्लीज़ कनेक्ट कीजिएगा मेरे व्यूवर्स की जो सोल है वो क्या फाइंड कर रही है, क्या ढूंढ रही है, क्या चाहती है। ओके, आपकी सोल को सबसे पहले तो चाहिए शांति, जो शायद बहुत ज़्यादा मिसिंग है। ऐसा लग रहा है कि बहुत एक भीड़ में चल रहे हैं आप, उस भीड़ में इतना खो गए हैं कि आप अपने आप को ढूंढ ही नहीं पा रहे हैं। सॉरी, उस भीड़ से निकलने की कोशिश करें, उस भीड़ से निकलकर अपने आप को पहचानने की कोशिश करें, यहाँ पर देखने की कोशिश करें कि मेरी जो सोल है वो शांति ढूंढ रही है, थोड़ा सा खुद को अकेले में ले जाने को ढूंढ रही। क्यों? क्योंकि भीड़ में हम बहुत खो जाते हैं, और जब हम अकेले में होते हैं तो खुद को समझ पाते हैं, हमारी चीज़ें समझ पाते हैं, हमें समझ आता है कि यस, ये मेरे साथ क्यों हो रहा, वो मेरे साथ क्यों हो रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। तो खुद को थोड़ा सा समय दें। यहाँ पर पहला मैसेज है कि खुद को समय दें, खुद को शांति की तरफ लेकर जाए, अशांत माहौल से खुद को थोड़ा सा निकालें, मेडिटेशन करें, ग्रीनरी में समय बिताएं, पार्क चले जाएं, या अच्छी सी कोई म्यूजिक लगा के खुद के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें। आपकी जो सोल है यहाँ पर थोड़ा सा हर्ट है, हर्ट इस बात से है कि वो दूसरों को तो खुश रख पा रही है लेकिन खुद को क्यों नहीं खुश रख पा रही है। उसकी शिकायत आपसे ये है कि आप दूसरों का ख्याल रख रहे हो, मेरा ख्याल क्यों नहीं रख रहे हो। कहते हैं ना कि हम दूसरों के लिए सब कुछ कर रहे हैं A to Z, अपने लिए क्या कर रहे हैं। तो ये सवाल है खुद से आपकी सोल का कि मेरे लिए क्या किया जा रहा है, मुझे शांति कैसे दी जा रही, मुझे क्यों नहीं शांति मिल रही है, आखिर मुझे ही क्यों नहीं दी जा रही। मैं ही आपकी बॉडी में हूँ, मैं ही सब कुछ कर रही हूँ, काम कर रही हूँ, और मुझे ही रिलैक्स नहीं मिल रहा। तो ये एक बड़ा क्वेश्चन है आपके लिए, क्या कर रहे हैं आप अपनी सोल के लिए, अपनी बॉडी के लिए, अपने माइंड के लिए क्या कर रहे हैं। क्या आप मेडिटेशन कर रहे हैं, क्या आप रिलैक्स कर रहे हैं, क्या आप खुद को खुश रख पा रहे हैं, क्या आपको रिलैक्स चाहिए जो आपकी बॉडी को वो मिल पा रहा है, नींद आपकी पूरी हो पा रही है। कुछ लोगों की यहाँ पर नींद भी है जो कि डिस्टर्बेंस में है, शायद प्रॉपर नींद नहीं ले रहे हैं आप लोग, तो प्लीज़ उसको प्रॉपर नींद लें, कोशिश करें, टाइम निकालें, अपनी चीज़ों से बाहर निकलकर खुद को थोड़ा सा समय देने की कोशिश करें। कुछ ज़्यादा आपको प्रॉब्लम होती है, एक बढ़िया सी कोई भक्ति म्यूज़िक लगा लें, कोई बांसुरी वाली म्यूज़िक बजा लें, या जो जिस भी म्यूज़िक से आपको सुकून मिलता हो वो म्यूज़िक आप लगा लें, और थोड़ी देर के लिए खो जाएं खुद में, और देखें आपको रियलाइज़ होगा कि आपको कितना सुकून मिल रहा है। और आपको कुछ सवालों के जवाब भी अगर आप ढूंढ रहे हैं तो अगर आप ढूंढने की कोशिश करेंगे आइज क्लोज करके तो आपको शायद वो मिल भी सकते हैं। मेडिटेशन में आप कोशिश करें अपने सवालों को ढूंढने की। यहाँ पर खुद को जलाकर दूसरों को रोशन करने के लिए यहाँ पर मना किया जा रहा है। रोशन उतना कीजिए जितना आपकी कैपेसिटी है खुद को जलाने की, उतना आपको नहीं जलाना है जितना आपको कि खुद ही बर्न हो जा रहे हैं और खुद को ही समझ नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर जो सबसे बड़ा मैसेज है यहाँ पर आपके लिए वो ये है कि खुद को थोड़ा सा शांत करें, स्पिरिचुअल करें, थोड़ा सा मेडिटेट करें, थोड़ा सा खुद के लिए समय दें। बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी ना करें किसी भी चीज़ में। अगर आप हैं, आपकी सोल जो है वो यहाँ पर आपके ही हित के लिए कह रही है कि प्लीज़ मुझे, क्योंकि मुझे शांति चाहिए, मुझे शांति मिलेगी तो जाहिर सी बात है मेरी बॉडी को भी शांति मिलेगी। तो यहाँ पर आप खुद को थोड़ा सा समय देना शुरू करें। ओके, यहाँ पर आपकी जो आपके लिए जो मैसेज है ये देखिए, क्यों परेशान है आपकी सोल कह रही है, क्यों कन्फ्यूजन में रहना, क्यों इनडिसीजन वाले माहौल में रहना, क्यों हर वक्त जो है खुद को परेशान करते रहते हैं।
इस चीज़ से बाहर निकलना है। आप बहुत ज़्यादा अगर कंफ्यूजन में रह रहे हैं तो आपकी सोल जो है वो एक सही डिसीजन ढूंढ रही है। मैंने कहा ना यहाँ पर शांति ढूंढ रही है, पीसफुल एनर्जी चाहती है आपकी सोल, पीसफुल एनर्जी में रहना चाहती। इस एनर्जी में दुविधाजनक एनर्जी से आप अपनी सोल को बाहर निकालें। ये आपकी सोल को तकलीफ दे रही है, कष्ट पहुंचा रही है। क्यों? क्योंकि आप हर वक्त जब टेंशनाइज रहेंगे, हर वक्त आप सिर्फ दूसरों के लिए सोचते रहेंगे, हर वक्त आप सिर्फ टेंशन ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ये क्यों नहीं हो रहा, वो क्यों नहीं हो रहा, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में सोचते रहेंगे तो खुद के बारे में कब सोचेंगे, अपनी ग्रोथ, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी, अपनी चीज़ों के बारे में कैसे शुरू करेंगे। ये देखिए, ये चाहती है आपकी सोल कि आप इस ऊर्जा से निकलकर इस ऊर्जा में आए, एक बेहतरीन खुशनुमा, एक खुशनुमा एनर्जी में आए, अपने आप को एक नई शुरुआत दें, अपने आप को एक सपोर्ट दें, अपने आप को खुद से एक वादा करें कि यस मुझे अपने आप को खुश रखना है, मुझे इस कन्फ्यूजन वाली एनर्जी से नहीं रहना है, मुझे ये कन्फ्यूजन जो एनर्जी है, जो परेशानी है, जो इनडिसीजन वाली एनर्जी में मैं रहती हूँ या रहता हूँ, उससे मेरी सोल को तकलीफ पहुँचती है, मुझे थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ना है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं कि आप दिन भर कीर्तन भजन करें, नो, थोड़ा सा समय खुद के लिए निकाल कर अपने ईश्वर को याद करें, अपने आप को याद करें, अपने कर्म को याद करें, ताकि आपको सही और गलत की पहचान होना शुरू हो जाए। ओके, यहाँ पर आपको खुश रहने के लिए बोला जा रहा है, अपने आप को एक नई वेकअप कॉल देने के लिए बोला जा रहा है, खुद को अपने काम को ऑफर करने के लिए बोला जा रहा है कि अपने कर्म को आप ऑफर करें कि यस ये मेरा कर्म है और ये मुझे करना है, ये मेरे लिए सही है, ये ऑफर मेरे लिए अच्छा है, मुझे ये करना है, मुझे इस ऊर्जा में नहीं रहना है, मुझे ये ऊर्जा तकलीफ देगी और ये ऊर्जा मुझे ज़िंदगी में आगे लेकर जाएगी, तो मुझे चूज़ किसे करना है, इसको या इसको, जो आगे ले जाएगी या जो बैठा के रखेगी, है ना। तो आपकी सोल यहाँ पर एक खुशनुमा लाइफ ढूंढना चाह रही है। खुशनुमा का मतलब लग्जरी ही नहीं होता, खुशनुमा का मतलब ये होता है कि आप कम में भी खुद को खुश महसूस कर पाएँ, जितना है उसमें आप संतुष्ट हो पाएँ, अच्छा करने की कोशिश करें, तकलीफ से बाहर निकलने की कोशिश करें, दूसरों की सोचें, दूसरों के बारे में सोचें, दूसरों के लिए करें, लेकिन अपने भी बारे में सोचें और अपने लिए भी करें, तो खुद को खुश रखेंगे तभी आप दूसरों को भी खुश रख पाएंगे। गाइस, तो प्लीज़ अगर आप लोग इस ऊर्जा में, ज़्यादातर ऊर्जा में अगर आप ऐसे रहते हैं तो प्लीज़ उसको थोड़ा सा बाहर निकालने की कोशिश करें, अपने आप को थोड़ा सा खुश रखने की कोशिश करें, ताकि जिससे आप अपनी चीज़ों को पाने में आपको आसानी हो, मैनिफेस्टेशन करने में आसानी हो, जो भी टेक्निक आप यूज़ कर रहे हो उसमें आपको आसानी मिले। नई शुरुआत करें खुद के साथ, नए कमिटमेंट करें खुद के साथ, नए ऑफर दें खुद को, ताकि इस ऊर्जा से निकलें और आपकी सोल है, आपकी जो माइंड है, आपकी जो बॉडी है, उसको रिलैक्स मिले, उसे खुशी मिले। खुश रहेंगी तभी आप भी खुश रहेंगे और आपका मन लगेगा। ओके, तो ये कुछ रीडिंग है जो कि निकल कर आई हुई है आपकी सोल की तरफ से, कि वो क्या ढूंढ रही है, खुशी ढूंढ रही है, उसे खुशी दें। अगर ये वीडियो आपको मेरा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, जिसके साथ जितना रेजोनेट करे उतना लीजिएगा, बाकी छोड़ दीजिएगा, और अपनों के साथ हो सके तो शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखें, थैंक यू सो मच, टेक केयर, ऑल ऑफ यू, बाय बाय।